हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2019 के एग्जामिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो होते हैं इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए, उन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आप चाहिए इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए, हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, आईसाइट का क्या क्राइटेरिया है इस एग्जामिनेशन में, फ्रैक्चर्स क्या इस एग्ज़ाम में अलाउड है या नहीं है, और टैटूज़ वगैरह के बारे में जो है डिस्कस किया गया है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए, हमने डिटेल में हर एक चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एज क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो इस एग्जामिनेशन में जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जो है एज है वो 20 to 25 ईयर्स की जो है रखी जाती है। ठीक है, तो अगले साल यानी जो लोग इस फॉर्म को 2019 में भरने वाले हैं, दो डेट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इन दोनों डेट्स के बीच में आपका जो डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो इस फॉर्म को जो है जनरल कैंडिडेट के जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं या जो एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं 2019 में, वो लोग भर सकते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1994 से लेकर 1 अगस्त 1999 इन दो दिनों के बीच में अगर पड़ता है, ठीक है, दो जो डेट मैंने आपको बताई इनके बीच में पड़ता है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन, तो आप जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं 2019 में। ठीक है, फॉर्म आपका जो है वो अप्रैल के मंथ में जो है आ जाएगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है अगर इन दो डेट्स के बीच में पड़ता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी डेट है 2 अगस्त 1991 से लेकर 1 अगस्त 1999 के बीच, अगर इन दोनों के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1989 से पहले की है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं जो ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 2 अगस्त 1989 के बाद आपका जो है डेट ऑफ बर्थ है। सेम चीज़ जो है अप्लाई होती है सिविलियन जो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, कोई भी अगर सिविलियन जॉब है जैसे टीचर की है, डॉक्टर की है, कोई भी प्रोफेशन इस तरह का है, तो आप की डेट ऑफ बर्थ जो है आपको 30 इयर्स तक जो है आप एलिजिबल हैं, यानी आपको 25 ईयर के बाद 5 इयर्स का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी कैंडिडेट को जो है 3 ईयर का जो है रिलैक्सेशन मिलता है। तो जो डेट्स मैंने बताई हैं इन दोनों को आप इन सब डेट्स को एक बार चेक कर लीजिए। ये वाला जो आपको ये इमेज आपको दिखाई दे रही है इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, बाद में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो इसमें आपको जो है एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम का मतलब है आप चाहे आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, या आप एमबीबीएस हैं, कुछ भी हैं, ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपकी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप पास आउट हो गए हैं तो भी, और अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं तो भी। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को भी ये रहता है कि फाइनल ईयर और फाइनल सेम वाले कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जामिनेशन आपका बेसिकली अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा और अगले साल 18 अगस्त 2018 को जो है आपका एग्ज़ाम इसका होगा, 2019 में सॉरी। ठीक है, तो जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं यानी जो लास्ट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम होगा यानी आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे आपके ग्रेजुएशन के, अगर आपके अगले साल मई या जून में वो ख़त्म हो जाएंगे तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर वाले लोग भी जो इस एग्जामिनेशन को भर सकते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो जो कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है तो वो इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये फैक्ट है, अगर आपकी हाइट 165 से कम आधा सेंटीमीटर भी है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई दोराय नहीं है। ठीक है, फोर्सेज में जो है कोई भी लूपहोल नहीं चलता है, अगर आपकी हाइट थोड़ी सी भी कम है अगर 165 सेंटीमीटर से तो आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप बिल्कुल चाहे मेहनत ना भी करें इस एग्जामिनेशन के लिए, सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत बार ऐसा हुआ है कई लोगों की हाइट जो है 164.5 सेंटीमीटर रही है और उनको जो है वो एलिजिबल नहीं थे, उनको जो है एग्जामिनेशन के बाद क्वालिफाई करने के बाद भी जो है फिजिकल में जो है निकाल दिया गया। ठीक है, तो आप इंश्योर कर लीजिए आपकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर है या नहीं है। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर की आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट चेस्ट सबकी हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का उसमें एक्सपेंशन होना चाहिए, ये सब जो है नॉर्मल है, ये हो जाती है, हाइट आप चेक कर लीजिए एक बार। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर है, अगर आपकी हाइट 156.5 भी है तो आप इस फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो भी जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में जाकर कोई परेशानी हो। ठीक है, तो 157 अगर आपकी हाइट है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। आई साइट की बात अगर मैं करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, आई वियर ग्लासेस वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो आई साइट में जो है वैसे 6x6 चाहिए, लेकिन अगर आप अगर ग्लास लगाते हो ठीक है, तो आपका जो है ग्लासेस का जो क्राइटेरिया है वो -4 डायोप्टर से लेकर +4 डायोप्टर तक जो है वो चलेगा। यदि आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है, -4 से लेकर +4 तक अगर आपके दोनों के बीच में पड़ता है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने लसिक लेज़र करवाया है, सर्जरी अगर आपकी आँखों की करवाई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ क्राइटेरिया है वो आप इनके नोटिफिकेशन में जाके बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो लसिक आपने कराई है वो 18 साल से पहले आपके नहीं होनी चाहिए, और 35 ईयर जो है इसकी लास्ट डेट उन्होंने बताई है। तो 18 से 35 ईयर्स की बीच में जो है आपकी लसिक सर्जरी होनी चाहिए, और जब आपका मेडिकल होगा तो उस टाइम आपकी सर्जरी को जो है 6 महीने हो जाने चाहिए। ठीक है, फ्रैक्चर की अगर बात करूँ तो कोई भी फ्रैक्चर जो है फोर्स में अलाउड नहीं है। अगर आपका बचपन में कभी हाथ टूटा है, पैर टूटा है, या कंधा टूटा, कुछ भी ऐसे इस तरह का फ्रैक्चर कोई भी हुआ है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्चर्स को जो है फोर्स में अलाउड नहीं किया जाता है। टैटू की अगर मैं बात करूँ, कोई भी टैटू जो है वो पर्टिकुलर टैटू अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट रिलीजियस सिंबल। ठीक है, रिलीजियस सिंबल में आपका कोई भी रिलीजियस सिंबल हो सकता है या नाम हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई हिंदू रिलीजन से अगर बिलोंग करता है तो जैसे आपका जय श्री राम या जय बजरंगबली इस तरह का कुछ भी अगर लिखा हुआ है तो वो चलेगा, ओम वगैरह आपने लिखवाया हुआ है तो वो चलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी आप इमेज वगैरह कोई बनवाएंगे तो वो अलाउड नहीं है। और ये भी कहाँ पे अलाउड है, जो आपका लेफ्ट हैंड होता है अंदर की बाजू की जो कलाई जो होती है आपके अंदर की तरफ, ठीक है, वहाँ पे अलाउड है। और इसमें भी जो है लिखा हुआ जो चीज़ होती है वो भी उसका भी पर्टिकुलर कोई साइज है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो जिनके टैटूज़ हाथ वगैरह पे हैं, कंधे पे हैं, बैक में हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप टैटू जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में नहीं निकलवा पाए आप, मतलब, तो आप इस फॉर्म को ना भरें। ठीक है, तो टैटू आपके अलाउड नहीं है रिलीजियस सिंबल और रिलीजियस नेम को छोड़ के, वो भी सिर्फ लेफ्ट हैंड पे। लेफ्ट हैंड पे इसलिए क्योंकि राइट हैंड से आपको सलूट करना होता है, तो राइट हैंड पे टैटू अगर होगा तो वो भी आपका अलाउड नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड पे चलेंगे, वो भी अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स थी जो मुझे आपको बतानी थी। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। CAPF 2019 के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें जो है हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप था वो बहुत अच्छा चल रहा है, उसका आपको एक बार झलक आपको दिखा देता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप की बेसिकली ये देखिए इस तरह से जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसमें काम करता है, स्टडी फंडा CAPF 2019। सारे के सारे जो हैं करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें जो है जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको बताई जाती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे अभी लेटेस्ट जो है इंडिया का वो आया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक, तो इसकी इमेज मैंने इसमें पोस्ट की थी हमने सब ने मिलकर। उसके बाद जैसे न्यू DGITBP जो है इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद अवार्ड एंड ऑनर वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद नोटिफिकेशन कोई भी है, रिजल्ट आएगा आपका वो भी सबसे पहले जो है इसी ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। उसके बाद कोई भी नोटिफिकेशन जो आपका आता है वो सबसे पहले हम इसी ग्रुप में जो है पोस्ट करते हैं। वीडियो हर एक चीज़ की नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें पोस्ट की जाती है जो आपके CAPF एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है मोटिवेशन की चीज़ें भी जो है इस ग्रुप में डाली जाती हैं, तो इस तरह से आप जो है देख सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज परचेज़ कर सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज का हिंदी और मीडियम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।